हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सुहाने। वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कुकिंग कल्चर। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी रायते की रेसिपी, क्योंकि ये रायते खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखते हैं। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो है खीरे का रायता, जिसे हम बिरयानी का रायता भी कह सकते हैं, और ये झट से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खीरे का रायता बनाने के लिए हमें इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, और मेनली जो इंग्रेडिएंट है वो है खीरा और कर्ड। यहाँ मैंने दो खीरे लिए हैं, इन्हें हमें अच्छे से वॉश करना है, पील करना है, इनका विस निकालना है और फिर इसे ग्रेट करना है। इफ अगर आप चाहें तो विस निकालकर इसे बिना पील किए हुए भी आप ग्रेट कर सकते हैं। विस निकालने के बाद भी इन्हें एक बार टेस्ट जरूर करें, क्योंकि ये देसी ककड़ी है, कई बार ककड़ी कड़वी भी निकलती है। खीरे का रायता बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप खीरे को ग्रेट करें तो इसका जो पानी है या जो जूस है इसे बिल्कुल भी अलग ना करें, इसे भी हम रायते में ऐड करेंगे। रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बोल लिया है, जिसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप फ्रेश कर्ड। कर्ड आप घर का भी यूज़ कर सकते हैं और मार्केट से भी ले सकते हैं, बट रायता बनाने के पहले कर्ड को टेस्ट कर लें, ये खट्टा नहीं होना चाहिए। कर्ड को हमें अच्छे से फेंटना है, इसे आप मिक्सी में भी फेंट सकते हैं। इफ कभी आपके पास रायता बनाने के लिए एकदम फ्रेश कर्ड ना हो, हल्का सा खट्टा हो, तो उसे आप फ्रेश कैसे कर सकते हैं ये टिप भी मैं आपको बता देती हूँ। कर्ड को आप एक कपड़े में हैंग कर दें और 1 घंटे के लिए हैंग रहने दें। 1 घंटे के बाद कर्ड को आप एक बोल में निकालें, उसे अच्छे से फेंटें और उसमें फ्रेश वाटर ऐड करें। इससे कर्ड का खट्टापन कम हो जाएगा और रायता अच्छा बनकर तैयार होगा। ये लीजिए, एकदम स्मूथ कर्ड तैयार है। अब ये रायता बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे भुना हुआ दरदरा पिसा जीरा। अब इसमें ऐड करेंगे काला नमक, साथ ही इसमें जाएगी थोड़ी सी दरदरी लाल मिर्च। अब इसमें ऐड करेंगे 1 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। इफ कर्ड में हल्का सा खट्टापन है तो इसी टाइम पर आप इसमें थोड़ी सी पिसी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। सभी मसालों को कर्ड में अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि कर्ड काफ़ी थिक है, लेकिन अभी हम इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो खीरा हमने ग्रेट करके रखा हुआ है इसमें भी काफ़ी क्वांटिटी में पानी है। तो पहले हम पूरा खीरा इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक बार चेक करेंगे, अगर आपको रायता थोड़ा पतला पसंद है तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। खीरे को भी हम कर्ड में मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, खीरे का रायता बनकर तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। अब लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई धनिया पत्ती। धनिया पत्ती किसी भी रायते का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बढ़ा देती है, इसलिए इसे ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो लीजिए, फाइनली खीरे का रायता बनकर तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और जल्दी से बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसे हम प्लेट कर लेते हैं। इस रायते को आप बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ, फ्राइड राइस के साथ और अपने लंच में भी इसे ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। रायते को बनाकर आप इसे फ्रिज में डाल दें और जब सर्व करना हो निकाल कर इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। ठंडा रायता बहुत ही टेस्टी लगता है। सो ट्राई इट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। इफ यू लाइक दिस रेसिपी सो प्लीज लाइक, share and subscribe. Thank you.